के एसके मेमोरियल हॉल में पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था बिहार की राजनीति में छात्र नेताओं की भूमिका सह छात्र संवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिव्यांशु भारद्वाज कर रहे थे, जो पीयूएसयू के अध्यक्ष हैं। साथ ही आशीष सिन्हा भी थे, जो पीयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में तमाम बिहार के छात्र नेता और छात्र मौजूद रहे। एसके मेमोरियल हॉल छात्रों से भरा रहा। वहीं बिहार के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी भी पहुँचे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी आना था, मगर कुछ कारणों से नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए। हालांकि इस कार्यक्रम में सुशील मोदी ने, सत्यपाल मलिक ने अपने छात्र जीवन और छात्र राजनीति की कई सारी कहानियां भी बताई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर दिव्यांशु भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के बाद जो बिहार में छात्र राजनीति का बीजा रोपण हो रहा है, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कैसे जो नया छात्र संघ जीत करके आया है वो बिहार में जो छात्र राजनीति की परंपरा खत्म हो गई थी वो फिर से शुरुआत हो। आज समाज के अंदर में छात्रों के अधिकार की बात हो, कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों की जगह हो, छात्र संघ के माध्यम से एक नया नेतृत्व समाज में उभर करके आए। और जो अभी जो वर्तमान समय में छात्र संघ का चुनाव संपन्न हुआ है और जो लोग पूरे बिहार से जीत करके आए हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, छात्र संघ के ताकत के बारे में जानकारी हो, कैसे उस दौर के जो लोग थे जिन्हें आज हम लोग मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बुला रहे हैं, कैसे उस दौर में छात्र राजनीति इतनी फलती फूलती थी और इतना अच्छा नेतृत्व निकल करके समाज के सामने आता था, इन सभी विषयों को लेकर के आज का ये कार्यक्रम पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ आयोजित कर रहा है। और बिहार भर से हम लोगों ने छात्रों को बुलाया है, शिक्षाविदों को बुलाया है, हमारे मुख्य अतिथि तीनों महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 74 आंदोलन से जुड़े हुए छात्र नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो एक ऐसा छात्र राजनीति का माहौल फिर से बिहार में डेवलप हो जिससे कि एक नया नेतृत्व। दो सवाल। देश में कई सालों से चुनाव नहीं होने के कारण गैप ऑफ लीडरशिप की बात तो आ ही रही है। अब देखना यह है कि ये नए छात्र जो चुनकर नए पदों पर पहुंचे हैं वह आगे राजनीति में किस तरह से सक्रिय होते हैं और कैसा काम करते हैं। लाइव सिटीज के लिए अक्षय आनंद की रिपोर्ट।